अरे नहीं कमल का फूल, कमल का फूल कह दिया ना आपको, कमल का फूल। अच्छा दिया कुमारी यहाँ से जीत रही है? हाँ जीतेगी तो, वोट लेगी तो जीतेगी, सही बात है। राजस्थान की सीएम बनेंगी? बनेगी बनेगी, सही है। तो अशोक गहलोत के बारे में क्या कहेंगे? वो भी अच्छे अपने लिए, तो दोनों ही अच्छे। देखो राहुल गांधी अच्छे है, वो भी अच्छे है, सब अच्छे अपने लिए। तो किसकी सरकार बना रहे हैं राजस्थान में? कांग्रेस। कांग्रेस की क्यों? 5 सालों से अशोक गहलोत ने कितना अच्छा काम किया उसके बारे में बताइए। काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है। आपकी विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत रहा है? राम अग्रवाल। दिया कुमारी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं कम, वो भारी है, यहाँ की नहीं है। सीताराम जी यहाँ पर जमीन से जुड़े हुए हैं, अच्छा काम करते हैं। जमीन से जुड़े हुए हैं, दूसरी बात क्या, यहाँ काम भी बहुत बढ़िया करवाया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने यहाँ पे। और मैं कहता हूँ चारों तरफ जब भी देखो आप सुनो यहाँ पे, वो यही कहेंगे साहब सीताराम जी, सीताराम जी, बस ये मान के चलो, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। यहाँ पर जो आपका प्रत्याशी है दिया कुमारी है बीजेपी की साइड से, और सीताराम अग्रवाल, दोनों में से किसकी जीतने की संभावना है? दिया कुमारी जी की। अशोक गहलोत के बारे में क्या कहेंगे? 5 सालों से उनकी सरकार रही है राजस्थान में, उनके बारे में क्या बोलना, वो तो जादूगर है। कुछ तो जादू काम नहीं आ रहा उनका, अब नहीं चलेगा, बहुत भ्रम फैला दिया उन्होंने। लेकिन अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि कहाँ आप लोग गुजराती की बातों पे यकीन कर रहे हो, मैं आपका अपना हूँ, लोकल हूँ। कर रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर जो हमको 70 सालों बाद में अच्छा आदमी मिला है उसके साथ चल रहे हैं। आप उनको अच्छा आदमी बता रहे हैं, राहुल गांधी उन्हें पनौती कह रहे हैं? वो तो खुद ही पनौती है, वो तो खुद है, उन्होंने किया गया आज तक, वो आंकड़े बताते हैं, वो आंकड़े कहीं है ही नहीं उनको, वो क्या बोल रहे हैं उनको मालूम ही नहीं रहता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। वो किसी को चोर बोलते हैं, सभी कभी बोलते हैं सभी मोदी चोर है, खाली उनको तो एक है अडानी का विरोध करना, अडानी के पैसे जा रहे हैं, बिजली चालू करो तो अडानी के पैसे जा रहे हैं, कुछ भी हो तो अडानी के पैसे जा रहे हैं सब। इतने साल में क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे पैसे? कुछ नहीं है, आज ये 70 सालों बाद में बढ़िया प्राइम मिनिस्टर मिला है, देश आगे तरक्की कर रहा है, आज 5वें नंबर पे आया है, आगे 3-3 नंबर पे आ जाएगी, देश का नाम हुआ है। इतने दिन तक अपने भारतीयों को भिखारी समझते थे, आउट ऑफ इंडिया जाते तो अब अपने को मान सम्मान मिलता है वहाँ पे। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया। कुछ भी नहीं बेचा उन्होंने, ये खाली झूठ फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बेच दिया? आज राजस्थान में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सबका पर्दाफाश हो रहा है, अब तो केंद्रीय एजेंसी तो काम करेगी करेगी। ईडी के छापे भी पड़े यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं पे। आज मैं गलत करूँगा तो मेरे भी छापा पड़ेगा, तो मैं कह दूंगा। अच्छा राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है? भाई सबसे बड़ी पेपर लीक है, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, थोड़ा सा क्या नाम है शिक्षा का हो रहा है, और दूसरा समस्या ये भी हो रहा है जो ये नौकरी का भी हो रहा है कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है पढ़े लिखे लोगों को, है ना। और दूसरी बात बस एक बेनिफिट है कांग्रेस को जो कि गहलोत परियोजना से, जिसमें ये चिरंजीवी की थोड़ा सा ये बेनिफिट ले जा सकता है इनको। अच्छा तो आयुष्मान भारत योजना भी तो कुछ ऐसा ही है? नहीं वो है, लेकिन इसमें ये 25 लाख का दे रहे हैं बेनिफिट, और इसमें तुरंत इनका जो काम हो रहा है बस ये बेनिफिट है गहलोत जी को, और थोड़ा सा अब ये तो चुनावी माहौल है कि दोनों पार्टियां क्या कहती है, और बाकी बीजेपी आएगी। अच्छा आपका विधानसभा क्षेत्र है विधानसभा, यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से दिव्या कुमारी जीत रही है। दिव्या कुमारी, और जोटवाड़ा से भी राज्यवर्धन जी साहब जीत रहे हैं। और सीताराम अग्रवाल के बारे में क्या ख्याल है, कांग्रेस से हैं वो? वो कांग्रेस से है, वो भी अच्छे आदमी है, लेकिन सिर्फ पार्टी के हिसाब से दिव्या कुमार जीतेगी बीजेपी की। राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। बीजेपी की क्यों? फॉर श्योर बीजेपी। बीजेपी क्यों, क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने जो सेंट्रल में किया वो स्टेट में भी करेगी, ऑब्वियस है। आपके विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत रहा है? हमारे विधानसभा क्षेत्र से दिव्या कुमारी जी, डेफिनेटली। अच्छा राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी के शासन में सारे युवा जो हैं बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही उन्हें। मोदी कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ा रहे हैं और वो ज़्यादा अच्छा है इंडिया के लिए, इसलिए मोदी बेस्ट है। लेकिन अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि गुजराती की बातों पर कहाँ यकीन कर रहे हो, मैं आपका अपना हूँ, मैं जो कहूँगा वो ठीक है।
तो गहलोत को गुजरात जाके देखना चाहिए गुजरात क्या है आज। राजस्थान वैसा नहीं है, और ऑब्वियस गहलोत अगर रहेंगे तो 20 साल में भी नहीं हो पाएगा वो जो अभी हो पा रहा है। सर किसकी सरकार बना रहे हैं राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी। बीजेपी की क्यों? बीजेपी से अच्छा ऑप्शन क्या है? अशोक गहलोत है, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। यहाँ का डर रही है जी चेंज होना, तो चेंज होगी गवर्नमेंट। आपके विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत रहा है? हमारे विधानसभा यहाँ से सीताराम जी, वो तो कांग्रेस के हैं। हाँ तो वो जीत रहे हैं यहाँ से। तो दिया कुमारी के बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में नहीं जानते अपन, यहाँ सीताराम जी लोकल काम करवाते जो जानते हैं उनको। अच्छा राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो जब आए वहाँ के चुनाव आएंगे जब बताएंगे, अभी तो यहाँ के हैं, यहाँ के बारे में बात कीजिए। नहीं, वो तो गारंटी वगैरह लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे और कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, युवाओं का ख्याल रख रही है, बेरोजगारी दूर करेगी अगर राजस्थान में सरकार बनती है। तो अभी थी ना, पहले भी तो थी, कांग्रेस ही तो थी, तो बस वो ये यहाँ तो चेंज होने का डर है, चेंज होगी। किसकी सरकार बन रही है अब? ठीक है ये जो बता रहे हैं वो, अब देखो कुछ नहीं बता सकते, 3 तारीख के बाद में ही पता लगेगा। तो आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं राजस्थान? अब बनाने के लिए अपनी मर्जी थोड़ी चलेगी उसमें, सरकार में अपनी मर्जी थोड़ी चलेगी वो तो सब। अच्छा योगी जैसा सीएम चाहते हैं राजस्थान? हाँ ऐसा ही होना चाहिए, योगी जैसा आना चाहिए, बुलडोजर वाला कानून। बिल्कुल बुलडोजर वाला, डबल इंजन होना चाहिए राजस्थान में, तभी जाके वो काम चलेगा। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? अब आप ये छिपाता है नहीं, आप इतने करते हैं किसकी बना रहे? एक साल गहलोत बैठता है, एक साल बीजेपी बैठती है, तो इस बार बीजेपी क्या जाएगी? गहलोत साहब का तो वो शांतिलाल धारीवाल बोलता है ये मर्दों वाला, तो महिला का तो वो अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, फिर बोलता है मर्दों। यहाँ पे पेट्रोल भी महंगा है दिल्ली हरियाणा से, सब महंगा है, तब भी वो सब नेता लोगों को भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत रहा है? मेरा यहाँ विधानसभा नहीं है, मेरा तो गांव है उधर सुजानगढ़ क्षेत्र पड़ता है, वहाँ संतोष मेघवाल जीतेगी, वहाँ तो संतोष मेघवाल जीतेगी। किस सरकार बना रहे हैं राजस्थान में? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? 5 सालों से अशोक गहलोत यहाँ पर सीएम रहे, उन्होंने अच्छा काम किया? देखो अशोक जी ने भी काम किया है, लेकिन हवा का रुख है उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं, हवा का रुख है तो है, अब बीजेपी की सरकार आ रही है, हम तो रुख के हिसाब से बात कर रहे हैं। आप यहीं से विद्याधर से? हाँ विद्यानगर से हूँ मैं। यहाँ पर कौन जीत रहा है अब? यहाँ पे तो बराबर की टक्कर है, दिया कुमारी जी और सीताराम जी दोनों के बराबर की टक्कर चल रही है, अब इसमें तो कुछ भी हो सकता है मतलब। लेकिन अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि कहाँ आप लोग गुजराती की बातों पर यकीन कर रहे हैं? गुजराती थोड़ी है वो, तो मोदी है, उसका नाम मोदी है, राष्ट्रभक्त, अपने देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है मोदी। लेकिन राहुल गांधी तो उन्हें पनौती कहते हैं। अब राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकता है, उसका क्या कर सकते बताओ, राहुल गांधी का तो कोई, राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता,